हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर व कमेंट करें, और मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें। फ्रेंड्स, आज देखिए हम बनाएंगे झटपट से फैंसी मिठाइयाँ, एकदम बिल्कुल बाजार जैसी, जिसे देख करके मेहमान खुश हो जाए। और बहुत ही टेस्टी और झटपट से बन जाती है, बिना मेहनत के, ना में गैस जलानी है, ना में चाशनी बनानी है। झटपट से आप ये दो तरह की फैंसी मिठाइयां बना करके तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा, मेरे सारे स्टेप फॉलो करते हुए आप ये मिठाई बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी, सबको बहुत पसंद आएगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस तरह की टेस्टी और झटपट से मिठाई बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे झटपट से दो तीन चीजों से मिठाई, बिना गैस जलाए, बिना चाशनी बनाए, झटपट से हम दीपावली के लिए मिठाई बना के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप हमने भुने सिके हुए चने जो आते हैं फ्रेंड्स, वो चने हमने ले लिए हैं, और चनों को जो छिलका होता है वो छिलका निकाल करके एकदम साफ कर लिए हैं। और एक चौथाई कप हमने पोहा लिया है, पैन में हम एक चौथाई कप ये पोहा डालेंगे और लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक लेंगे जार, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये भुने हुए चने आधा कप, 8-10 या 1 टेबल स्पून काजू, और 10-12 12-15 बादाम है या 1 टेबल स्पून बादाम, ये भुने हुए पोहे, और 1/4 कप ही मैं यहाँ कॉर्नफ्लेक्स ले रही हूँ, तो ये भी हम इसमें डाल लेंगे, और 1/2 कप ही हम यहाँ शक्कर डालेंगे। अब हम सारी चीजों को एक साथ झटपट से पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन्हें पीस लिया है, लेकिन अभी मैंने क्या बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा और पीसना है, ये थोड़ा मोटा है, एकदम बिल्कुल फाइन बारीक पीस लेना है। मैं यहाँ पे इसमें 1-2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी डालूंगी, उससे जो है हमारी बर्फी का टेस्ट और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम यहाँ 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी डाल लेंगे, और एक बार फिर अच्छे से पीस लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, तो जो हमारी सारी सामग्री है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से जो है हमारी सारी सामग्री मिक्स हो गई है, पिस गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारा मिक्सचर हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच या 2 पिंच इलायची डालेंगे, और 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे, और अब हम लेंगे 1 कप दूध। दूध हमें हल्का गर्म लेना है, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए, ज्यादा नहीं डालना है, एकदम से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए, और एक डो गूंदना है, डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा ही दूध डालेंगे ताकि आटा हमारा डो सॉफ्ट ना हो, क्योंकि हमें चपाती जैसा आटा गूंद लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह का आटा गूंद लेना है। उसके बाद में हम आटे में थोड़ा सा कलर डालेंगे, तो 2-3 ड्रॉप हम लेमन येल्लो कलर की डालेंगे। देखिए 2 ड्रॉप जो है हमने लेमन येलो कलर की डाल दी है। साथ ही मैं फ्लेवर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऑरेंज एसेंस डालेंगे हम, तो 2-3 ड्रॉप ऑरेंज एसेंस की डालेंगे, और थोड़ा सा 1/2 छोटी चम्मच घी और डालेंगे। अब हम ये कलर और एसेंस दोनों को अच्छे से डो में मिक्स करेंगे, डो का कलर बिल्कुल एक जैसा कर लेना है, तब तक हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए डो हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम बर्फी जमाने के लिए एक प्लेट या ट्रे लेंगे, उसमें थोड़ा घी डालेंगे, और झटपट से पूरी प्लेट में अच्छे से घी को लगा देंगे, फैला लेंगे। उसके बाद में हम ये डो प्लेट में डालेंगे, और हाथ से सेट करेंगे, प्लेट के बीच में लेते हुए हाथ और स्पैचुला की मदद से एकदम बिल्कुल अच्छे से चौकोर आयताकार में हमारी बर्फी को सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद में थोड़ी पिस्ता और बादाम की कतरन लेंगे, ऊपर से डालेंगे, और स्पैचुला से अच्छे से दबा देंगे। मैं यहाँ इस पे एक चांदी का वर्क भी लगा रही हूँ, अगर आपके पास हो तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, हमारी बर्फी और भी अच्छी दिखेगी। इस तरह से लगा देंगे, और हम इसे 1/2 घंटा सेट होने देंगे, उसके बाद हम इसके पीसेस काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1/2 घंटे बाद हमारी बर्फी जम के सेट होके तैयार है। अब हम इसे मनचाहे आकार में पीसेस में आप काट लेंगे, मैं यहाँ आयताकार यानी लंबी लंबी काटूंगी, तो झटपट से हम बर्फी को काट लेंगे।
देखा फ्रेंड्स, आधे घंटे में झटपट से कितनी अच्छी हमारी बर्फी जो है बनकर के तैयार हो गई है, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी। तो इस बार आप दीपावली की इतनी साफ सफाई के बाद में जब हम थक जाते हैं और हमारी कुछ मीठा बनाने की इच्छा नहीं होती है, तो झटपट से हम आधे ही घंटे में कितनी अच्छी एकदम सुपर सॉफ्ट मार्केट जैसी बर्फी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी फैंसी मिठाई बनाएंगे, वो भी बिस्किट से और बिना गैस जलाए। तो यहाँ पे मैंने ब्रिटेनिया के जो मैरी गोल्ड बिस्किट आते हैं, हमने वो बिस्किट ले लिए हैं। और क्वांटिटी में हम देखते हैं तो हमने गिन के लिए हैं, ये हमने 25 बिस्किट लिए हैं। तो अब हम एक जार लेंगे और उसमें हम 1 टेबल स्पून डालेंगे काजू, 10 से 15 बादाम ले लेंगे और एक या फिर 1 टेबल स्पून, इस तरह से हमने काजू और बादाम ले लिए हैं। अब हम इसमें ये बिस्किट डालेंगे, बारीक पीस लेंगे। तो देखिए, साथ ही ना हम इसमें शक्कर भी डाल लेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा पीसा है तो नीचे काजू बादाम जो है हमारे वो थोड़े पीस गए होंगे। अब हम यहाँ इसमें 6 से 7 छोटी चम्मच शक्कर डालेंगे। साथ ही हम यहाँ 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब हम ये सारी चीजों को अच्छे से एक साथ पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिस्किट को हमने एकदम बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच सबसे पहले घी डालेंगे और उसके बाद में हल्का गुनगुना दूध डालते हुए थोड़ा थोड़ा छोटी चम्मच से और एकदम टाइट डो गूंद के तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 6 चम्मच दूध से ही हमारा डो जो है गूंद के तैयार हो गया है। अब हम इस डो को 2 हिस्सों में बांट लेंगे क्योंकि हम फैंसी मिठाई बना रहे हैं। तो एक हिस्से में हम दोनों हिस्सों में हम अलग अलग कलर मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक हिस्से में मैं यहाँ ग्रीन कलर डाल रही हूँ, तो 2-3 बूंद हम ग्रीन कलर की डालेंगे। और मैं यहाँ डाल रही हूँ पाइनएप्पल एसेंस। अगर आपको पसंद ना हो तो आप बिना एसेंस के भी ये मिठाई बना सकते हैं। एसेंस और कलर को डाल करके अच्छे से डो में मिक्स करेंगे, बिल्कुल एकदम एक जैसा कलर होने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ साफ करके हम दूसरा डो लेंगे और उसमें हम पिंक कलर डालेंगे, 3 से 4 ड्रॉप, और वाइट रोज एसेंस डालेंगे। कलर और एसेंस दोनों को एक साथ डाल करके अच्छे से डो में मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल एक जैसा कलर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में हमने जो है कलर मिक्स कर लिया है। ये हमने पिंक कलर किया है तो ये हमारा पिंक कलर है। मैंने यहाँ जेल कलर इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास जेल कलर हो तो जेल कलर, पाउडर कलर हो तो पाउडर कलर। वैसे जेल कलर ज़्यादा बढ़िया होते हैं। तो अब हम इन्हें साइड में रखेंगे और फिर से हैंड वॉश करेंगे। अब हम एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे और सबसे पहले हम ग्रीन वाला हिस्सा लेंगे और उसमें हम थोड़े कटे हुए बादाम और काजू डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरे डो में मिक्स करने के बाद में हम डो का हम एक रोल तैयार कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम ये पिंक वाला हिस्सा लेंगे और थोड़ा सा घी लगा करके इसको पतला बेल लेंगे। कोशिश करेंगे कि हमें लंबे आकार में बेलना है। अगर लंबा नहीं बेलता है तो साइडें निकाल करके और लंबी साइड में लगा करके हम लंबा एक लंबी रोटी तैयार कर लेंगे। अब झटपट से पिंक हिस्से में जो हमने ग्रीन रोल तैयार किया है वो रोल अंदर डालेंगे और अच्छे से इकट्ठा करते हुए अच्छे से चिपका करके ग्रीन रोल को बिल्कुल अंदर डाल करके और पिंक का एक रोल तैयार कर लेंगे। हम पिस्ता की कतरन लेंगे और थोड़े हम लेंगे खसखस के रोस्टेड सीड्स ले लेंगे। अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही भी रख सकते हैं। आप इस पे चांदी का वर्क लगा सकते हैं। बोर्ड पे थोड़ा खसखस और पिस्ता डाल करके अच्छे से रोल को इस पर घुमाएंगे और रोल पर अच्छे से पिस्ता और खसखस को चिपका के रोल तैयार कर लेंगे। अच्छे से खसखस और पिस्ता लगाने के बाद में रोल हमारा तैयार है। अब हम रोल को आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। आप इसे आधा घंटा या तो बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखने से जल्दी सेट हो जाता है। तो हमारा रोल देखिए तैयार हो गया है। अब हम इसे झटपट से काट लेते हैं। इस तरह से आरी की तरह चलाते हुए काटें तो एकदम बिल्कुल सही शेप कटेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ कितनी अच्छी हमारी ये बर्फी बनी है ना। झटपट से एकदम फैंसी रोल हमने घर पे ही बना करके और तैयार कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फटाफट से बस हम जो भी साइज मोटे छोटे पतले हमें जैसे करने हैं वैसे हम फटाफट से, देखिए कितनी आसानी से कट रहा है ना। एक आधा घंटा हमने इसे फ्रिज में रखा तो उससे ये अच्छे से कट रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से दीपावली की इतनी थकान के बाद झटपट से सिर्फ आधे घंटे में 2 फैंसी मिठाइयाँ हम झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो अंत तक देखते हुए ये मिठाई बनाइए, अपनी दिवाली एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।